हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। और अगर आप वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं या इससे पहले स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको एक सामान्य एक समस्या आती है कि आपके जो असाइनमेंट है स्टूडेंट वन व्यू पर अभी तक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसका जो सोल्यूशन है कि आपको अपने असाइनमेंट किस प्रकार से आपको डाउनलोड करने हैं, तो सबसे पहले आप ये चीज़ कन्फर्म कर लें कि आपका जो सेशन है वो कौन सा है और वो सेशन आपको कहाँ दिखेगा। उसके लिए एक तरीका है कि आप अपने जो भी आप जो फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आपको वो नजर आ जाएगा कि आपका सेशन ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद अगर आपका स्टूडेंट वन व्यू पर आप जाके भी अपना असाइनमेंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा शिकायत करते हैं, कई बार ऐसे कमेंट भी आते हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे असाइनमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं या हमारे असाइनमेंट हमारे पोर्टल से हटा दिए गए हैं। तो अगर आपके असाइनमेंट अगर हटा भी दिए गए हैं क्योंकि आपने एग्जाम नहीं दिया हो या समय ज़्यादा हो चुका हो, लेकिन अगर आप अभी भी असाइनमेंट जमा करवाना चाहते हैं, तो उसके सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट पर। आप स्टूडेंट वन यू के अलावा अपने असाइनमेंट किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, तो आप सबसे पहले वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप जाएं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में आपको यहाँ पर जाना है। स्टूडेंट कॉर्नर में जाने के बाद मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे असाइनमेंट वाला लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिशन सेशन जुलाई और जनवरी के जो हैं, जिसमें 2014 से लेकर अब तक के जुलाई 2022 और 23 तक के जो असाइनमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एडमिशन जुलाई 2015 से लेकर 2022 तक के किसी भी विषय के जो असाइनमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको एक सैंपल के रूप में हम देख सकते हैं कि मान लो कि आपने 2020-21 में एडमिशन लिया हो और अगर आपका असाइनमेंट शो नहीं हो रहा हो, या 19-20 में आपने एडमिशन लिया हो और असाइनमेंट अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे कि मैंने 2020-21 पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि सभी विषयों के जो असाइनमेंट है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि यार आपके असाइनमेंट अगर आपके स्टूडेंट वन व्यू पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और आपने अगर मान लो कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने एडमिशन लिया हो, जैसे कि आपने PGDCA में अगर एडमिशन लिया हो, लेकिन अगर आपने अपनी असाइनमेंट जमा नहीं कराए, तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप यहां से देख सकते हैं कि जो आपके असाइनमेंट है जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के, वो असाइनमेंट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इनकी डेट जा चुकी है, लेकिन आप इसके लिए डिफॉल्टर फॉर्म भरकर और इसकी जो फीस जमा करवा के आप अपने असाइनमेंट हैंड रिटन जमा करवा सकते हैं, और अभी आपके पास ये मौका रहेगा। तो आप सभी विषयों के जो असाइनमेंट है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि अगर मान लो कि आपने 2022 और 23 में अगर आपने एडमिशन लिया है और आपके असाइनमेंट अगर स्टूडेंट वन व्यू पर दिखाई नहीं भी दे रहे हैं, तो आप अपने सेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि सैंपल है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आपने BLIS में एडमिशन लिया है और स्टूडेंट वन व्यू के पोर्टल पर आप नहीं पता है आपको किस प्रकार जाना है, तो अपना सेशन आप सबसे पहले पता कर लें, जो कि आपके फॉर्म पर आपको एडमिशन के समय पर आपको या तो जुलाई होगा या फिर जनवरी में होगा। तो यहाँ पे डाउनलोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके असाइनमेंट है जो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न विषयों के जो असाइनमेंट है आप यहाँ से मिल जाएंगे और इनको बनाकर अपने हैंड रिटन आप जमा करवा सकते हैं। और इन असाइनमेंट्स के जो सॉल्यूशंस है वो आपको अपनी बुक में से आपको तैयार करने होते हैं, और एक लिमिटेड टाइम जो यहाँ के असाइनमेंट के ऊपर लिखा हुआ होता है उस समय तक आपको यहाँ पर जमा करवाने होते हैं। जैसे कि 15 मई तक करवाने होते हैं या फिर अक्टूबर में जमा करवाने होते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जल्दी से अपने असाइनमेंट बनाकर यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर पर जमा करवाएं। ओके स्टूडेंट्स, ओके दोस्तों, थैंक यू।